स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सीरियस इशू, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पर्सनल कि जो RML है उसने BSc BA और BCom के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, तो उनको उसको प्रिंट करने में या फिर उनको देखने में असुविधा हो रही थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपन ये रिजल्ट कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन सर्च करेंगे RMLAU, तो ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है RMLAU, जो सबसे पहले ये ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ही है, ऑफिशियल पेज है RML का, राम रोहिया। इसके बाद अभी अपने को रिजल्ट देखना है, तो इसको ड्रैग डाउन करेंगे, वीडियो चलेंगे, ये जो पेज खुल रहा है इसको ड्रैग डाउन करेंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट एंड मार्कशीट। रिजल्ट एंड मार्कशीट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो ये एक पहला ऑप्शन है व्यू रिजल्ट फॉर 2021, 2021 के लिए रिजल्ट देखना हो तो अभी अपने को 2022 के लिए देखना है, तो अपन करेंगे 2022 पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अपन ये व्यू रिजल्ट 2022 पे क्लिक करेंगे तो अपने पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन है कि क्लिक हेयर फॉर NEP फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट, BA, BSc और BCom। नेक्स्ट है क्लिक हेयर फॉर NEP सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट, BA, BSc, BCom। ऐसे ही पूरा जो राम मनोहर लोहिया की जो भी अफिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तभी अपन फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने पास ये सारी कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी जो टोटल काउंट में 587 है, 587, ये देखिए 587। फिर इसमें जैसे अपने को कोई भी यूनिवर्सिटी का सर्च करना हो तो ये इसमें आ जाएगा। अभी रिजल्ट देखने से पहले ये सेकेंड सेमेस्टर का और चेक कर लेते हैं, तो ऐसे ही इसमें ये सारी कॉलेजेस आ जाएंगी, इनमें ये टोटल लिस्ट है 573 टोटल, टोटल काउंट्स हैं कॉलेजेस के। ये जो राम मनोहर लोहिया से अफिलेटेड यूनिवर्सिटी है वो सब कॉलेजों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी चलिए रिजल्ट देखते हैं, ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे जो अपने पास ये राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते ही अपने पास डायरेक्ट ये विंडो खुल जाएगा, तो अपने पास कोई भी जैसे रोल नंबर है मेरा कुछ भी उसको डालेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो यह है रिजल्ट बता देगा। तो अभी मेरे पास कोई बंदा है नहीं जिसके मैं रोल नंबर जानता हूँ और मैं ऑलरेडी पास आउट हूँ, तो ऐसे हम वीडियो को तो ऐसे हम रिजल्ट देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई असुविधा हो रही है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, तो आप डायरेक्टली उसमें जाके रिजल्ट देख सकते हैं, आपको डायरेक्ट यही विंडो मिल जाएगी। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधी इस विंडो पे पहुंच जाएंगे, तो डायरेक्ट आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं सेपरेट कर दूंगा और सेकेंड सेमेस्टर के लिए सेपरेट कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।